द केरला स्टोरी पर ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द केरला स्टोरी पर हटाए जाएंगे बैन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज में हरिराम बात करेंगे द केरला स्टोरी, जो फिल्म बहुत चर्चों में है और रिलीज होने के बाद कुछ दिन चले ममता की सरकार की पश्चिम बंगाल में यह फिल्म, और इस फिल्म को चलने के बाद 8 मई को जो है बैन कर दिया गया ममता सरकार के तरफ से। उसी के अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को सीधा सीधा बहुत बड़ा झटका दे दिया। झटका ऐसा दिया कि ममता सरकार को उस फिल्म को जो बैन लगाए थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि इस फिल्म को बैन नहीं किया जा सकता, नहीं तो बहुत ऐसे बात आते हैं, बहुत ऐसे फिल्म है, सभी को बैन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कहा कि जिस तरीके से फिल्म इंडिया में आते हैं और इतना फिल्म आते हैं, जिस तरीके से फिल्म हर एक राज्य में रिलीज है, हर एक राज्य में देखा जा रहा है, मगर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से बैन कर दिया वहां की सरकार, ये बहुत सरासर गलत है और ये सत्ता का उपयोगी करने के साथ सही नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा ममता बनर्जी को, उस तरीके से सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि द केरला स्टोरी के बैन करने के बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इनको इस तरीके से, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बैन किए थे द केरला स्टोरी को। तो दोस्तों, केरला स्टोरी अब पश्चिम बंगाल के साथ साथ हर एक हिंदुस्तान के राज्य में चलता रहेगा और चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।